में जो संकट कर लो आप हमेशा अपने उद्देश्य को हासिल करोगे। और जिस व्यक्ति का इच्छा था जिस व्यक्ति का जिस बेटे का अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है वो कभी जिंदगी में पाएगी नहीं कर सकता है। अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए तो निश्चित तौर पर आप अपने उद्देश्य को हासिल करेंगे। ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें खुद करनी पड़ती है लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। इसलिए निश्चित तौर पर ज्ञान धन से उत्तम। देश की जो उन्नति हुई है जिस किसी का भी सत्यानाश हुआ है तो उसका मुख्य कारण रहा है शिक्षा। महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक स्लोगन में कहा कि शिक्षा बिना मति खोई मति बिना गति खोई गति बिना नीति खोई नीति बिना संपत्ति खोई और संपत्ति बिना सबसे फर्स्ट। और इतने अनंत केवल एक अविद्या के कारण हुए वो बिना शिक्षा। और दुनिया के सबसे महान व्यक्ति परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो। हर किसी महापुरुष ने यही कहा है कि शिक्षा वो धन है जिसका कोई मुकाबला नहीं। निश्चित तौर पर साथियों इस दुनिया में शिक्षा आपका हौसला बढ़ाती है। जिले के एसपी साहब आदरणीय आशुतोष पागरी जी और उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों इस स्कूल में आज मेरा यह तीसरा भाषण है। मुझे 3 साल विधायक बने हुए हैं। मेरा इस स्कूल से बड़ा लगाव है। आदरणीय संचालक महोदय ने मुझे केवल 5 मिनट बोलने को कहा है क्योंकि यह कार्यक्रम 1 घंटे विलंब से चल रहा है। काफी देर हो चुकी है सबको घर वापस जाना है। मैं 5 मिनट में अपनी बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे वो भाई बहन छोटे छोटे बुढ़ाल मासूम बच्चे मेरी बात को गंभीरता से सुनेंगे जैसे कि अभी तक उन्होंने सुना है। अभी जो नाटक चल रहा था उसे देखकर मैं तो क्या लेकिन सारे लोग बिल्कुल भावुक हो चुके थे। ऐसा कोई नहीं था जिसके आप नए आंसू नहीं थे। निश्चित तौर पर साथियों एक बड़ा अभिशाप हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभिशाप था। बहुत पहले हम लोगों के सब की शिक्षा पर पाबंदी थी लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस देश के तमाम सारे महापुरुषों को जिन्होंने शिक्षा पर जो लगी पाबंदी जो किसी भी बरादरी की बेटी होती थी किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। मैं निश्चित तौर पर उनको नमन करूंगा इस मंच के माध्यम से। साथियों शिक्षा वो शेरनी का धन है दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इन्फॉर्मेशन इज द पावर जानकारी ही ताकत होती है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें खुद करनी पड़ती है लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। इसलिए निश्चित तौर पर ज्ञान धन से उत्तम। बहुत सारे महापुरुषों ने कहा है। तथागत गौतम बुद्ध ने ईसा से 250 साल ईस्वी पूर्व कहा था 700 ईस्वी पूर्व कहा था कि अंत दीपो भव अपना प्रकाश खुद बनो। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा इस देश में अगर किसी का की जो दुर्गति हुई है इस देश की जो अवनति हुई है जिस किसी का भी सत्यानाश हुआ है तो उसका मुख्य कारण रहा है शिक्षा। महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक स्लोगन में कहा कि शिक्षा बिना मति खोई मति बिना गति खोई गति बिना नीति खोई नीति बिना संपत्ति खोई और संपत्ति बिना सबसे फर्स्ट। और इतने अनंत केवल एक अविद्या के कारण हुए वो की जन शिक्षा। और दुनिया के सबसे महान व्यक्ति परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो। हर किसी महापुरुष ने यही कहा है कि शिक्षा वो धन है जो इसका कोई मुकाबला नहीं। निश्चित तौर पर साथियों इस दुनिया में शिक्षा आपका हौसला बढ़ाती है। शिक्षा जिसके अंदर नहीं है उसके अंदर हमेशा डर और भय रहता है। शिक्षा डर और भय को दूर करती है। मैं अपने छोटे छोटे निढाल मासूम बच्चों को बता देना चाहता हूं। साथियों अभी इस मंच से हमारे तमाम सारे छात्र और छात्राएं पुरस्कार ले रहे थे वो कितने गौरवान्वित हो रहे होंगे उनको कितना अच्छा महसूस हो रहा होगा। लेकिन वहां पे छात्र को छात्राएं
जो यहाँ तक नहीं आ पाए पुरस्कार लेने के लिए, लेकिन वो ये ना समझे हमें पुरस्कार नहीं मिले, अगर वो प्रयास करेंगे तो उन्हें भी आगे आने वाले समय पुरस्कार मिल सकती है और इस जगह कैंपो भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, सारे काम संभव है। इतना जरूर है कि कोई काम कठिन होता है तो कोई काम सरल होता है, लेकिन दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। मैं इस मौके पर आपको बता देना चाहता हूं, जिस भी छात्र है जिस भी छात्रा ने ये सोचा कि गरीब घराने में पैदा हुआ हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूं, अगर जिसने ये सोचा वो जिंदगी में कभी अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, आप मेरी बात को ध्यान से रखें सुने, जिसने ये समझा कि परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। हमें इतिहास से प्रेरणा लेना चाहिए, इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सुबह खाकर शाम को नहीं था, जिनके पास किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं था, जिनके पास कलम खरीदने के लिए पैसा नहीं था, चाहे वो कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, प्लूटो, माओ से प्रदेश महात्मा फुले, ऐसे तमाम सारे उदाहरण दुनिया की धरती में जिनके पास सुबह खाकर शाम को नहीं था, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं। आपके पास तो बहुत सब कुछ है, आपके पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन उनमें उदाहरण आप पड़ा है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति पैदा होती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत पैदा होती है। इसलिए आप कभी ये ना समझें कि आप एक सवर्ण के छोटे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप कभी ये ना समझें सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे गरीबों के पैसे वालों के बेटे दूरी स्कूल में पढ़ते हैं, सेंट्रल स्कूलों में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय पढ़ते हैं, बड़े बड़े मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, अंग्रेजी के टीचर द्वारा पढ़ाते हैं, एसी के विद्यालय में पढ़ते हैं, हम एक स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसकी छत टूटा रही है। आप इसे सोच रही है उसे कंपटीशन कैसे करेंगे, आप जिंदगी में कंपटीशन कभी नहीं कर सकते, कंपटीशन जब आप करोगे तब उन छात्रों को पढ़ा उसमें आप सोचे कि जिनके पास स्वयं खाकर शाम को नहीं था, वो ऐसे सारे लोगों से जो दूर विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, प्रोफेशनल सेंट्रल स्कूल में नवोदय विद्यालय पढ़े हैं, उनसे भी बहुत आगे निकल गए हैं। आपका हौसला मजबूत होना चाहिए, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, आपके इलाके में होना चाहिए, आप जिंदगी में जो संकल्प कर लो आप हमेशा अपने उद्देश्य को हासिल करोगे। और जिस व्यक्ति का जिस छात्र का जिस व्यक्ति का जिस बेटे का अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है वो कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता है। अपने जीवन एक उद्देश्य बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए, एक काम बनाइए और उद्देश्य प्राप्त करोगे तो निश्चित तौर पर आप अपने उद्देश्य को हासिल करेंगे। बस यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को प्राप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।